राजनांदगांव। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपने संस्कार और मेहमान नवाजी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजनांदगांव शहर भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। राजनांदगांव शहर को संस्कारधानी और नंदगांव के नाम से भी जाना जाता है। राजनांदगांव शहर राज्य की राजधानी नया रायपुर से महज 71 किलोमीटर की दूरी पर महानदी के किनारे बसा हुआ है। लगभग 70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए राजनांदगांव शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2 लाख से ऊपर थी। आबादी के हिसाब से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का 5वां सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। राजनांदगांव जिला कुल 10 तहसीलों में बटा हुआ है। डोंगरगांव, छुई खदान, खैरागढ़, छुरिया, राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगढ़ और गड़ाई। धार्मिक दृष्टिकोण से राजनांदगांव शहर में 84.40% हिंदू, 5.72% मुसलमान, 4.59% बौद्ध, 2.95% जैन अतः 2.34% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। राजनांदगांव शहर की साक्षरता दर 86.83% है। इससे ये पता चलता है कि राजनांदगांव के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। राजनांदगांव जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। राजनांदगांव के उत्तर में कबीरधाम जिला, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के गोंदिया और गढ़चिरौली जिला, दक्षिण में कांकेर जिला एवं पूर्व में दुर्ग जिला स्थित है। राजनांदगांव शहर में कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। राजनांदगांव में कई सारे शैक्षिक संस्थान भी मौजूद हैं, जो राजनांदगांव के छात्र और छात्राओं को एक उच्च स्तर की शिक्षा देते हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ डेंटल साइंस रिसर्च सेंटर, अलीगंज कॉलेज, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआई, कमला देवी गर्ल्स कॉलेज, पंडित किशोरीलाल शुक्ला लॉ कॉलेज एवं आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि राजनांदगांव में हैवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। इसके बाद 1742 में मराठों ने हैवंशियों को हरा कर राजनांदगांव पर अपना शासन शुरू किया। राजनांदगांव राज्य के बाकी इलाके की तरह दक्षिण कौशल का ही हिस्सा था। राजनांदगांव के अलग अलग हिस्से में सोमवंशियों, मराठों और कलचुरियों का शासन चला करता था। राजनांदगांव जिले का गठन 26 जनवरी 1973 को दुर्ग जिले से किया गया था। राजनांदगांव शहर का प्रमुख नाम नंदग्राम है। आज के समय में राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 11, कंप्यूटर केंद्र की संख्या 43, हॉस्पिटल की संख्या 11, डिग्री कॉलेज की संख्या 82, अंतर कॉलेज की संख्या 15 एवं सुमित मंडी बाजार जैसे कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से राजनांदगांव शहर रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, राजनांदगांव शहर में कुल 5 रेलवे स्टेशन मौजूद है। मुरहीपार, परमलकासा, राजनांदगांव, मुसरा और बकल रेलवे स्टेशन, जिसमें से राजनांदगांव रेलवे स्टेशन यहां का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 4 है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जंक्शन के बाद राजनांदगांव रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का 4वां सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। यह रेलवे स्टेशन बिलासपुर नागपुर लाइन, हावड़ा मुंबई लाइन पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गोंदिया छपरा एक्सप्रेस
समरसता एक्सप्रेस, बिलासपुर एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस एवं गीतांजलि एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, राजनांदगांव शहर में कुल 2 बस स्टैंड मौजूद है, न्यू बस स्टैंड और पुराना बस स्टैंड। राजनांदगांव शहर के ये दोनों बस अड्डे अपने सड़क मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप राजनांदगांव शहर तक पहुंच सकते हैं। राजनांदगांव अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी राजनांदगांव की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना राजनांदगांव शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1 माँ बम्लेश्वरी मंदिर, नंबर 2 पताल भैरवी मंदिर, नंबर 3 मानव मंदिर, नंबर 4 संतोषी मंदिर, नंबर 5 दुर्गा थिएटर, नंबर 6 श्री कृष्ण थिएटर, नंबर 7 खरा रिजर्व वन, नंबर 8 खरखरा डैम, नंबर 9 शिव मंदिर, नंबर 10 मनगटा वन्य जीव पार्क, नंबर 11 खैरागढ़, नंबर 12 अंबागढ़, नंबर 13 गड़ाई, नंबर 14 मानसी मंदिर एवं दुर्गा मंदिर यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।